Hey guys, good morning and most welcome to our YouTube channel on with Vikram. So, आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बिना पिन को बाय किए RSJio में किसी की भी आईडी को एक्टिवेट कैसे आप कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करनी होगी. रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको फिल करना होगा और आईडी पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा. उसके बाद वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहां से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो रजिस्ट्रेशन के बाद का मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ. अगर आपको ये जानना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं. अभी यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लिया है. अभी एक्टिव नाउ पर आपको क्लिक करना होगा. अभी देखिए आपके सामने पेमेंट गेटवेज ओपन हो चुके हैं, तो आप इनमें से कोई ना कोई पेमेंट गेटवे आपके पास होना चाहिए. सो अभी देखिए बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, तो अभी मैं आपको UPI का मोड जो है यूज़ करके बताऊंगा. अभी यहाँ पे मैं अपनी UPI आईडी फिल कर लेता हूँ. फिल करके आपको यहाँ पे पे 124 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देना है. अभी पेमेंट कंफर्म हो रही है. अभी हमें एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा. मैं पेटीएम का यूज़ कर रहा हूँ तो पेटीएम की तरफ से आ रहा है मेरे को. अभी लिंक पे क्लिक करना है आपको, इसको ओपन कर लेना है तो ये डायरेक्टली आपको पेटीएम में ले जाएगा. अभी यहाँ पे क्लिक करना है. अगेन पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपका पिन पूछा जाएगा, तो पिन फिल कर लेते हैं हम. अभी पिन फिल हो चुका है, अभी पेमेंट कन्फर्म हो रही है. अभी देखिए पेमेंट कन्फर्म हो चुकी है. अभी हमें एक टेक्स्ट मैसेज दोबारा से आएगा कि हमारी पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है. उसको क्लोज कर देते हैं. अभी वापस चलते हैं अपने पेज पे. तो यहाँ पे देखेंगे अभी ये आईडी एक्टिवेट हो चुकी है. तो घबराना नहीं है ऐसे अगर पेज आपके सामने डिस्प्ले होता है. तो अब मैं आपको आईडी ओपन करके बताता हूँ. अभी यहाँ पे देखिए ये जो आईडी हमने एक्टिवेट करी है, आईडी इस नाम की है जो अभी एक्टिवेट हो रही. मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ. देखिए यहाँ पे आईडी स्टेटस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्टिव, यानी ये आईडी एक्टिवेट हो चुकी है. देखिए अगर आपने अपनी आईडी को पहले से प्लेस कर रखा है और आप जानना चाहते हैं कि अब आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके दो तरीके भी आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं. अगर देखिए अगर आपके पास, अगर आप खुद अपनी आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो अभी आज के टाइम में ऐसा डिस्प्ले आपको होता है, तो एक्टिव नाउ पर आप क्लिक करके ना आगे इसको पेमेंट मोड आपके सामने सारे के सारे ओपन हो जाएंगे. तो वहां से भी आप सेम अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करके अपना इसको कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको देखिए अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करना होगा सो दैट आप आगे प्रोसीड कर सकेंगे. अगर मान लीजिए अगर आप क्रोम ब्राउज़र से करते हैं, अपनी आईडी क्रोम वाले ब्राउज़र से करते हैं, तो आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा. तो यहाँ पे मेन्यू पे आपको क्लिक करना होगा, एक्टिव आईडी ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव आईडी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे. देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है पे नाउ का, तो पे नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही पेमेंट गेटवेज ओपन हो जाएंगी. और उसके बाद कैसे करना है वो हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी. अगर आपका कोई भी सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं. कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है और आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा. एंड चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें सो दैट आपको नेक्स्ट हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.